हफ्ते की सबसे बड़ी सेट पर से बवाल अपडेट आ रही है और ये अपडेट है खतरों के खिलाड़ी की। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल बोच। शिवांगी जोशी के जितने भी फैंस हैं उनके लिए एक बुरी खबर है, लेकिन एक अच्छी खबर भी है। जैसा कि मैंने पास में बताया था कि उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, ये बात आपने देख ही ली थी। अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, तो तीन लोग आउट हो चुके हैं और खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 से उनका पत्ता कट हो चुका है। जी हाँ, आप लोगों को बता दूँ तो एरिका, अनेरी वजानी एंड शिवांगी जोशी, ये तीनों जो हैं खतरों के खिलाड़ी से आउट हो चुके हैं। बता दूँ आपको तो केप टाउन में इसकी शूटिंग चल रही है और जहाँ तक बात रही तो इसकी शूटिंग वूटिंग अभी फुल फोर्स में चल रही है। नौबर फारूकी नहीं ज्वाइन करेगा, ये बात मैंने आपको क्लियर तरीके से बता दी। एंड नाउ अब दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ एक और बड़ी बात, जहाँ एरिका को सीधा तौर पे हिंदुस्तान भेज दिया गया है, हिंदुस्तान के लिए रवाना कर दिया गया है। वहीं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, तो अनेरी वजानी और शिवांगी जोशी दोनों को ही अभी इस वक्त वहीं पे ही केप टाउन में रख दिया गया है और खबरें ये हैं कि दोनों को ही वाइल्ड कार्ड एंट्री बना के लाया जाएगा। वाओ, अगर ऐसा हो गया तो लिटरली मज़ा आ जाएगा, क्योंकि दोनों में बात तो होगी, तभी तो मेकर्स ने उन्हें रोक रखा है। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं, तो खतरों के खिलाड़ी जो है इस बार का जो सीज़न है वो फुल ऑन तहलका होने वाला है। रोहित शेट्टी साहब प्रोमोज पे प्रोमोज निकाले जा रहे हैं और अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि आगे क्या होगा खास। आपको क्या है कहना इस बारे में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें टेली खजाना। मुझे इजाज़त दीजिए आप। वैसे प्रतीक और अगर बात करें निशांत, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग वहाँ पे अभी तक तो अच्छे स्टंट्स कर रहे हैं, खबर आई है, और साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि यू नो कहीं ना कहीं वो निकल जाएंगे, बट वो नहीं निकले हैं, स्पेशली निशांत के बारे में। लेट्स सी, अब देखते हैं कौन निकलता है।